ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। सो पॉजिटिव वर्क आउटकम, डी क्लटर का कार्ड आ रहा है, इंसर्ट योर सेल्फ, सो गो फॉर व्हाट यू वांट। एंजल्स कह रहे हैं टाइम इज़ राइट, आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट हैं वो आपको मदद करेंगे अपनी लाइफ में से बैगेज को या पास्ट बैगेज को या नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। डी क्लटर का कार्ड आ रहा है, कहते हैं ना मेक स्पेस। डी क्लटर इज़ लाइक कि आप चीज़ों को निकाल रहे हैं, निकाल के यू नो लाइक जो चीज़ें नहीं हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको बाहर फेंक रहे हैं और एक सेफ स्पेस बना रहे हैं। सिमिलरली एंजल्स आपको कह रहे हैं कि डी क्लटर कीजिए, एंड जो आपको चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, या जो नेगेटिविटी या जो लोग आपको लगता है कि नहीं आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको निकाल दीजिए। एंड बिकॉज समवन कैन हर्ट योर फीलिंग, कोई है जो आपकी आपको हर्ट कर सकता है या अपना नया चेहरा दिखा सकता है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। आप यू नो ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एंड एंजल्स कह रहे हैं एक स्पेस बनाइए फॉर अ गुड कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो, कि आपकी यू नो लाइक चाइल्ड बर्थ हो सकता है। और चाइल्ड बर्थ से ये भी है कि ये समथिंग पॉसिबल, ये समथिंग ब्यूटिफुल कैन ग्रो, कुछ ग्रो हो सकता है, एंड आपको आपके यू नो रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं, मेजर परचेज ऑल्सो। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि वर्गो की लव लाइफ कैसी रहेगी। लव योर सेल्फ, एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार कीजिए। डिसेप्शन है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग पास्ट, यू नो देर आर सो मच बिट्रेयल, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क, किसी ने मास्क पहना हुआ है, आपको शायद नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल एंजल्स कह रहे हैं कि आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज़ यू रिलीज एंड हील द पास्ट, पास्ट को लेट गो कीजिए। स्पेशली फॉर दोज इन लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू नो कि आप बिल्कुल, आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक लेट देम कम टूवर्ड्स यू। उस पर्सन को आपकी तरफ आने दीजिए, उनको कोशिश करने दीजिए, मदद करने दीजिए, ठीक है। और एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। लेट अस सी ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, सो आई थिंक देयर इज समबडी जो आपको प्यार करते हैं, या हो सकता है कि कोई है लाइक यू नो दे वांट समथिंग पॉजिटिव ऑफ कोर्स, बट अगर वो चाहते हैं तो आई थिंक दे हैव टू लाइक दे आर, हो सकता है या तो इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, या ये खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या अपने मन में अंदर ही अंदर बात रखते हैं। और मे बी देयर आर टू पीपल, हो सकता है दो लोग हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में दो लोग हो सकते हैं, या आप यू नो आपको दो लोग पसंद करते हैं, बट शायद आपको पता नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, हो सकता है कि कोई समबडी वॉन्ट्स टू बी विद यू, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपकी तरफ आना चाहे, या तो ये अब आपको देखना है। बट आपके लिए सिर्फ यही हिदायत है एंजल्स की तरफ से कि आप सेल्फ लव यू नो उस एनर्जी में रहिए, एंड मेक स्पेस फॉर लाइक गुड पीपल। अपनी लाइफ में वो स्पेस बनाइए, और आपकी लाइफ में आप, अच्छा मेजर परचेज हम यहाँ मेंशन करना भूल गए थे कुछ लोगों के लिए, दैट यू कैन परचेज और बाय समथिंग। ओके, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है पॉजिटिव, समथिंग वेरी यू नो कोई आ सकता है विद अ लाइक अ गुड ऑफर, बट उसके लिए आपको पास्ट में से निकलना बहुत ज़रूरी है। उसमें से आपको यू नो पास्ट को लेट गो करना ज़रूरी है, फॉरगिव करना ज़रूरी है। और शायद हो सकता है कोई आए भी विद द ऑफर ऑफ लव विद टूवर्ड्स यू, शायद हो सकता है कि ये पर्सन यू नो एफर्ट करना चाहते हों, बट मेक श्योर कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो यू नो लाइक विद अ क्लीन हार्ट एंड मैसेज कि वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या यू नो सोच रहे हैं।
तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल. चलिए, अच्छा जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. तो आई थिंक इट्स अबाउट यू नो, अपने आप को लो जोन से बाहर निकालिए. अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप काम करे तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ अगेन. अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, तभी ये रिलेशनशिप हील होगा. ठीक है, और आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है. सेल्फ डिपेंडेंट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू थिंक और व्हाट यू फील अबाउट यू, आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं. चूज़ योर सेल्फ, डोंट यू नो ओवर थर्ड पार्टी, चूज़ योर सेल्फ. हो सकता है कि थर्ड पार्टी से कुछ कनेक्टेड हो, कुछ पास्ट वरीज हैं, कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं, वो बार बार हो जाती हैं. तो जो लोग मैरिड हैं, आई थिंक उनको यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम. खुद यू नो उस एनर्जी में आ जाइए, बी द लाइट और अपने आप पे यू नो वर्क कीजिए. यस, यही एनर्जी एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि गो फॉर व्हाट यू वांट और अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को क्लोज मत कीजिए, मैं ये कहूँगी. और लाइक यू नो डोंट क्लोज योर हार्ट चक्र, अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है. ऑफकोर्स अपने आप को बाउंड मत रखिए. चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि वर्गो के लिए करियर कैसा रहेगा. सो करियर वाइज आई थिंक थिंग्स कैन पिक अप, चीज़ें पिक अप कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं. आई थिंक आप जैसा चाहते हैं वैसे वर्गो, जिस तरीके से आप अपने करियर को शेप देना चाहते हैं, जैसा सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, तो वैसे ही सिमिलरली आपका करियर शेप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है. थिंग्स कैन ग्रो और ब्यूटीफुली, थिंग्स कैन चेंज ब्यूटीफुली इन योर लाइफ. और ये हफ्ता आई थिंक बेसिकली ऐसा लगता है कि एक्शन, लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ मूवमेंट. तो स्पेस बना लीजिए अपने करियर में भी, एक स्पेस क्रिएट कर कीजिए जो आपकी लाइफ में होने वाला है या होने जा रहा है. और आई थिंक यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में. हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपकी ये ख्वाहिश हो, आप चाह रहे हो, ठीक है, आप ऐसा कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. चलिए देख लेते हैं कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. ओके, सो आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स. तो हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो, या ड्रीम्स में आपको बाबा के दर्शन हो सकते हैं, या हो सकता है डिवाइन टाइमिंग. डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू यू. तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए, हताश मत होइए. अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप है, आपका करियर है, आप कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, एनीथिंग. ठीक है, आपको सपनों में हो सकता है आपको कुछ साइंस मिले, सिम्बल्स मिले, या कुछ नंबर्स, या आपको कोई बाबा ऐसा ड्रीम दिखाएं. तो अब पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को अटेंशन पे कीजिए और डिस्टर्ब मत रहिए, टाइम का वेट कीजिए. देखिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल. एंड अगर कुछ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर कुछ चीज़ आपकी लाइफ में होनी है तो वो हो के ही रहेगी. क्यों? क्योंकि अगर बाबा ने कुछ सोचा है आपके लिए कि ऐसा होना है, तो फिर वो हो के ही रहेगा, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. चलिए एक कार्ड और ले लेंगे, लेट्स फाइंड आउट. देख लेते हैं. ओके, तो टेंपल पाथ, तो यहाँ पे समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी हो सकता है. इट्स अबाउट लाइक कॉलिंग पाथ हो सकता है. मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट नंबर थ्री, ऑल्सो कुछ क्रिएटिविटी. नंबर थ्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं. और अ लाइट पाथ, आप हो सकता है लाइट वर्कर है, स्टेप फॉरवर्ड. और शायद हो सकता है कि ये जो पाथ है आपको, यू नो लाइक इट्स योर ट्रू पाथ, आपको कोई कॉलिंग है, आपको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं. ठीक है, और शायद ऐसा हो सकता है, तो तभी एंजल्स कह रहे हैं, तभी आपके यू नो आपको समझा रहे हैं कि अब अपनी लाइफ में से यू नो चीज़ों को निकाल दीजिए जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है. और
यू नो इट्स अ गुड टाइम फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट. उसके लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है आगे के लिए. क्यों? क्योंकि जो पाथ है वो शायद भगवान आपके लिए बना रहे हैं, वो यू नो वो डिसाइड कर रहे हैं, वो चुन रहे हैं आपके लिए. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू अहेड. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. और डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.